हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लो कंपटीशन क्लासेस ऐप और साथ में लीगल एडवाइस बाय आरके सिंगल चैनल में। तो जो भी लोग मेरे साथ लाइव हैं, प्लीज एक बार इंडिकेट कर दें कि ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर आ रही है, ताकि हम स्मूथली क्लास को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो देखिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा दिसंबर 2023 एग्जाम जो 14 दिसंबर में हुआ था, उसकी आंसर की आउट की जा चुकी है। तो लॉ के पेपर के लिए हम जो है जो आंसर्स आए हैं फ्रॉम यूजीसी नेट, है ना, उनको एक बार जल्दी जल्दी टोटल 100 क्वेश्चंस के आंसर मैं आपके साथ जो है रिवाइज करूंगा, ताकि आप जल्दी जल्दी ये देख लें कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको चैलेंज करने हैं। क्योंकि कुछ लर्नर्स को ये मतलब आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ को क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए जरूरी हो गया है कि हम हर एक क्वेश्चन का जल्दी जल्दी एक आंसर देख लें। उसके बाद एक डिटेल्ड डिस्कशन की वीडियो भी हम लाएंगे अलग अलग पार्ट्स में पूरे पेपर की। लेकिन फिलहाल आज की क्लास में हम जल्दी जल्दी पूरे लॉ के पेपर को रिव्यू करेंगे आपके सामने कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर नेट के द्वारा दिया गया है, ताकि आप इसको बहुत इजीली जो है मतलब कहना चाहिए कि गो थ्रू कर जाए पूरे पेपर के थ्रू पूरे पेपर। ठीक है, तो जो भी लोग मेरे साथ लाइव है, प्लीज एक बार इंडिकेट करें कि ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है। और देखिए, हमारा जो ऐप है, इट इज इन द नेम ऑफ लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेस। ठीक है, रेगुलरली मैं सबके कमेंट्स को देख रहा हूँ, और जिन लर्नर्स को वीडियो क्लियर नहीं है, वीडियो पे जो है क्लिक करेंगे, वीडियो को क्लिक करेंगे ऊपर, तो आपको जो है सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपको हायर पिक्चर क्वालिटी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, है ना। तो हायर पिक्चर क्वालिटी में आ जाए 1080 पिक्सल के ऊपर। और देखिए, मेरा नाम राजीव कुमार सिंगल है, मेरा अपना 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लॉ टीचिंग का। इस कोर्स को 53 टाइम्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ एन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, और 85 लर्नर्स को मैं यूजीसी नेट और 20 लर्नर्स को जेआरएफ क्वालिफाई करा चुका हूँ। मेरा जो ऐप है, इट इज इन द नेम ऑफ लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेस। लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेस ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें लॉ की क्लासेस के लिए। ठीक है, इसके ऊपर फ्री टेस्ट भी आते हैं, तो आप टेस्ट के लिए भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि तैयारी के तरीके के नाम से जो है अलग अलग हमारे लर्नर्स के इंटरव्यूज हैं, जो आपको ये बताते हैं कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी समय को गवाए हुए। लॉ पेपर का पार्ट फर्स्ट है ये, है ना, और लॉ पेपर हमारा जो है 14 दिसंबर में हुआ था, है ना। तो उसकी आंसर भी आ चुकी है, तो उसके आंसर्स को जल्दी जल्दी टैली करेंगे सभी लर्नर्स के साथ में। जो भी लोग मेरे साथ लाइव हैं, इंडिकेट करें एक बार कि ऑडियो वीडियो से व्यू क्लियर आ रही है, ताकि हम स्मूथली क्लासेस को स्टार्ट कर दें। ठीक है, देखिए, जून बैच के लिए, जो जून आपका 2024 का एग्जाम है, इसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है लॉ का, और ये स्टार्ट हुआ है 12 दिसंबर से, है ना। तो 1 से लेकर के 10 तक की सारी यूनिट्स हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल रिसेंटली हमने एनवायरमेंटल लॉज की जो यूनिट है वो स्टार्ट की है, यूनिट नंबर 8। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर का डिस्कशन। तो देखिए, आपके सामने ये पेपर है दिसंबर 2023 एग्जाम का, और हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर, क्योंकि शुरू के जो 50 क्वेश्चन है, दे आर रिलेटेड टू पेपर नंबर 1। तो पेपर फर्स्ट का हम यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लॉ के पेपर से कंसर्न है। जिन भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, आप बिल्कुल क्वेश्चन का नंबर और साथ में क्वेश्चन की आईडी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल क्वेश्चन नंबर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर पेपर लर्नर को अलग सीरीज का पेपर दिया जाता है, ए बी सी डी, तो इस तरह से लेकर के चलना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या मार्क किया गया है। किसी भी लर्नर को अगर कोई डाउट है, तो देखिए, हमने वीडियो में हमने कवर किया है कि 5 जनवरी मतलब कल रात तक के लिए केवल आप ऑनलाइन मोड से अपने ऑब्जेक्शन सेंड कर सकते हैं, उसके बाद सेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वीडियो लाए हम, ताकि जल्दी जल्दी हम सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को एक बार मार्क कर लें, चेक कर लें, है ना। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, विच कंट्री डू नॉट प्रोवाइड एनी रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम। तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा, डेट इज फर्स्ट, मतलब कि यूके। ठीक है, तो देखिए, मैं सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता के चल रहा हूँ, आप सब लोग चेक कर सकते हैं मेरे साथ साथ अपने अपने क्वेश्चन पेपर को लेके। और देखिए, इसकी क्वेश्चन की आईडी है 40035, है ना। तो इस तरह से आपको देखिए चेक करना है, क्वेश्चन आईडी से, क्वेश्चन नंबर से चेक नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, मतलब कि क्वेश्चन आईडी है 40038, इन विच कंट्री द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड थ्रू द पार्लियामेंट। तो किस कंट्री में पार्लियामेंट के थ्रू होता है, इसका जो आंसर दिया गया है दैट इज सेकेंड, मतलब कि यूएसए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53,
मेंसरिया डज नॉट इंक्लूड, तो मेंसरिया में क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है। और देखिए क्वेश्चन आईडी है 40063, इसका आंसर बताया गया है नेट के द्वारा 4, मतलब कि मोटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीजन हैज एसेंशियली डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस मेड इन लॉ रिपोर्टिंग। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, सिंस द लॉ इन इंडिया इज मोस्टली बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ, द सिस्टम ऑफ लॉ रिपोर्टिंग इज फेयरली डेवलप्ड इन इंडिया। इन लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो इसका जो आंसर नेट के द्वारा मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि दोनों ही अपने आप में करेक्ट हैं। और ये क्वेश्चन की आईडी है 40107। तो ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी से आप अपने आंसर्स को चेक करें सभी लर्नर्स, है ना। और जिसमें ऑब्जेक्शन है बिल्कुल मुझे लिख करके भेजिएगा, आई विल चेक दैट क्वेश्चन और उसके अनुसार हम एक्ट करेंगे कि इसको आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, मॉरल राइट इज ए कंसेप्ट प्रिवेलिंग इन, तो मॉरल राइट इज ए कंसेप्ट प्रिवेलिंग इन, इसका आंसर दिखाया गया है 4, मतलब कि कॉपी राइट। और ये क्वेश्चन आईडी है 40044। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51 कैपिटल ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जिसकी आईडी है 40089, इसका आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा फर्स्ट, मतलब बी एंड डी, मतलब कि कैन बी यूज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंटरप्रिटेशन एंड कैन बी अमेंडेड बाय एंड और साथ में हैज बीन अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ओनली वंस। तो ये दो ऑप्शन सही बताए गए हैं, बी और डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, एज पर द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, ए बैचुलर मेल एडॉप्ट्स ए चाइल्ड, ही सब्सिक्वेंटली मैरीज ए वुमेन, सच वुमेन शैल। तो ये वुमेन के लिए जो आंसर दिया गया है सेकंड, बी द स्टेप मदर ऑफ दैट एडॉप्टेड चाइल्ड। और ये क्वेश्चन की आईडी है 40029। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, ये क्वेश्चन नंबर 58 मैच द कॉलम का है, दो शेड्यूल है, शेड्यूल मतलब यहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं, फिफ्थ शेड्यूल, एट शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल। और इसका जो आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा डेट इज सेकेंड, मतलब कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ। ठीक है जी, और ये क्वेश्चन आईडी है जी क्वेश्चन नंबर 58 की, दैट इज 40098। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द कंट्री एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। तो इसका जो आंसर दिया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है कि दैट इज ए एंड बी। और क्वेश्चन आईडी है 40075, दैट इज यूएसए एंड साउथ अफ्रीका, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, एज पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एनवायरमेंट इंक्लूड्स एयर वाटर एंड अदर इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग एंड बिटवीन वाटर एयर एंड ह्यूमन बींग अदर लिविंग क्रिएचर्स प्लांट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड। तो इसके साथ में जो आंसर इसके ये जो क्वेश्चन आईडी है डेट इज 40048 और इसका आंसर दिया गया है 3, मतलब की प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 में मैच द कॉलम आपको करना है और ये क्वेश्चन आईडी है 40102 और इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज थर्ड, मतलब कि ए का थर्ड, बी का फोर, सी का वन और डी का सेकेंड। और ये अपने आप में आईपीसी से रिलेटेड है, आईपीसी से रिलेटेड सेक्शंस हैं, इनको आपको मार्क करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 40076, है ना। और इसका जो आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा डेट इज सेकेंड, मतलब कि ए एंड डी ओनली। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, फंडामेंटल राइट्स आर एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा डी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एनफोर्सेबल बाई कोर्ट्स। तो ये अपने आप में दो आंसर इसके सही बताए गए हैं। प्रीति जी, समीक्षा जी, मानदेव जी, सुनील जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई अगर डाउट है, कोई आप कमेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। आप ही के लिए क्लास अरेंज की जा रही है ताकि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको मुझे लिख के बता सकें ताकि उसको चैलेंज किया जा सके विद प्रॉपर एविडेंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन आईडी है 109, इसका जो आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा डेट इज थर्ड, मतलब कि ए डी बी ई सी। और ये क्वेश्चन है, अरेंज करना है केसेस को अकॉर्डिंग टू एडवाइस या डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द स्टेट टू कनेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन कौन से स्टेट्स
कहना चाहिए केस लॉस दिए गए, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है 63। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन आईडी है 40056, ठीक है, और इसका राइट आंसर है थर्ड, मतलब कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिमार्क दैट एक्सट्रैडिशन विद फॉरेन स्टेट्स इज एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस गवर्न बाय ट्रीटीज और एग्रीमेंट मेड इन द केस ऑफ दैट इज स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीजी मेनन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन नंबर 65 की आईडी है 40104। इसका जो राइट आंसर है, अरेंज द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि सबसे पहले इन्होंने कहा इमैनुअल कांट, उसके बाद जेरेमी बेंथम, उसके बाद में आते हैं जॉन ऑस्टिन, इसके बाद में हेनरी मैन और सबसे लास्ट में हैंस केल्सन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 की क्वेश्चन आईडी है 40114, है ना, तो इसका जो राइट आंसर बताया गया है फर्स्ट, मतलब कि इसमें एसरेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एसरेशन दिया गया है हाईली डेवलप्ड लीगल सिस्टम स्ट्राइव टू क्रिएट एन ऑटोनोमस एपरेटस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स, लीगल टेक्निक्स एंड लीगल नॉर्म्स। रीजन है लॉ नीड्स टू बी एंडोव्ड विद लीगल कंसिस्टेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, तो दोनों अपने आप में सही है और ये इसका अपने आप में करेक्ट आंसर है। सयाजी गौरी जी वेलकम। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन की आईडी बता रहा हूँ, जो आंसर नेट के द्वारा मार्क किया गया है वो आपको बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो उसको हम टाइमली चैलेंज कर सकें बिफोर द यूजीसी नेट, क्योंकि कल तक का समय है केवल, है ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी केवल मैं आपको आंसर मार्क करा रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन के आंसर जो है क्वेश्चन की आईडी के अनुसार देखें। हर पर्सन की, हर लर्नर की अपने आप में क्वेश्चन पेपर अलग तरह से सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67, इस क्वेश्चन की आईडी है 40093, है ना, इसकी ये जो क्वेश्चन है दैट इज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सपिंडा रिलेशनशिप एंड डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाई, तो इसका जो आंसर दिया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि ए बी सी एंड डी ओनली, मतलब कि ये वाला इसका सही है, एडॉप्शन इसका सही है, और इसके अलावा लेजिटिमेट ब्लड इसका सही है, और दैट इज इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशन इसके सही आंसर है। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 की जो आईडी है दैट इज 40058, और इसका जो राइट आंसर बताया गया है द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन पास द यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन ऑन, तो यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन इसके द्वारा पास किया गया ऑन 3rd नवंबर 1950। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट फॉलो द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं करती। क्वेश्चन आईडी है 40037, और इसका राइट आंसर बताया गया है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट, इनमें से कौन सा गवर्नमेंट प्रोमिजरी नोट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये जो क्वेश्चन है इसकी आईडी है 72, और इसका जो आंसर बताया गया है नेट के द्वारा दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए एंड बी, मतलब कि इट इज ए प्रोमिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट, दूसरा इट इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन सिक्योरिटीज एक्ट 1886, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 71, और क्वेश्चन नंबर 71 की क्वेश्चन आईडी है 40108, और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द इंसर्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द आईपीसी, तो आईपीसी के लिए दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए बी सी एंड डी, मतलब बिल्कुल राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है लिखा हुआ है बाय द एनटीए एक्सेल। आगे देखते हैं जी अगला है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 71, बिल्कुल आप अपने अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, जैसे कि आगा जी ने अपना कमेंट लिखा है, बिल्कुल आई विल वॉच योर कमेंट, एक बार मैं आपको पूरा पेपर रिव्यू करा दूं, सभी लर्नर्स मेरे साथ जुड़े रहे। देखिए मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में, प्रोविजन है आईटी के और ये इसके सेक्शन है, तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए का थर्ड, है ना, तो ये अपने आप में इसका आंसर मार्क किया गया है ए का थर्ड बी का फर्स्ट, और ये क्वेश्चन आईडी है 40097, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, क्वेश्चन नंबर 73 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट हैज बीन हेल्ड दैट डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेचर बाय इनएक्टिंग ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, तो इसकी जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40061, और इसका जो आंसर किया गया है दैट इज इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण।
ठीक है जी, मानदेव जी क्वेश्चन नंबर 71 चैलेंज करना है, ठीक है जी, ओके बिल्कुल चेक करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। इसके अलावा आगा जी ने अपना कमेंट लिखा है, जिस भी लर्नर को किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल लिखिएगा, आई विल चेक दोस क्वेश्चंस आफ्टर दिस क्लास, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 74, ए ह्यूमन बीइंग सीजेस टू बी ए पर्सन इन लॉ एज इन फैक्ट, तो ये क्वेश्चन ये जो है अपने आप में सीज कर जाता है। क्वेश्चन की आईडी है 40039 और इसका आंसर है फोर्थ, मतलब कि एट दैट। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट इज रिलेटेड टू पेटेंट, तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है, इसका क्वेश्चन की आईडी है 40045, दैट इज बुडापेस्ट ट्रीटी 1977, ठीक है जी। अगला देखते हैं जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 76, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लेक्स रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर इज प्रोवाइडेड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन आईडी है 40047 और इसका जो अपने आप में आंसर दिया गया है दैट इज सेकंड, मतलब की फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 77, द राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू पोजिंग डेट अंडर विच प्रोविजन ऑफ आईपीसी, इसकी जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40064 और इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि क्वेश्चन सेक्शन नंबर 100 एंड 103 ऑफ आईपीसी। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 78, एज पर पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन, तो पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप कहाँ पे डिफाइंड है, क्वेश्चन की आईडी है 40052, तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेक्शन 4, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेसली कंटेन ए प्रोविजन फॉर राइट टू बियर आर्म्स एज फंडामेंटल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 79 की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40074 और इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज थर्ड, मतलब कि बी ओनली, द अमेंडमेंट सेकंड ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 80, व्हेन एन एब्सोल्यूट राइट इज वायलेटेड द लॉ कंक्लूसिवली प्रिज्यूम्स डैमेजेस ऑल्दो द पर्सन रॉन्ग्ड मे हैव सफर्ड नो पिक्यूनरी लॉस, दिस वॉज डिसाइडेड इन द केस ऑफ, तो ये किस केस में डिसाइड किया गया, तो क्वेश्चन नंबर 80 की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40049, इसका राइट आंसर हेल्ड किया गया दैट इज सेकंड, मतलब कि एशबे वर्सेस वाइट, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड कंडक्ट, मतलब कि कौन जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड कंडक्ट की बात करता है, क्वेश्चन आईडी है 40042, है ना, और इसका राइट आंसर है थर्ड, मतलब कि आर्टिकल 17 एंड 23 ओनली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या कहलाता है, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल इसकी जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40034 और इसका राइट आंसर दिया गया प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ईपीआर। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसकी क्वेश्चन आईडी है 40081 और इसका राइट आंसर बताया गया है फर्स्ट, मतलब कि ए बी एंड डी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा राइट टू लिबर्टी और सबसे लास्ट में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो इनको जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के फॉर्म में बताया गया है, ठीक है जी। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 84, ए हिंदू मेल हैविंग हिंदू वाइफ चेंज रिलीजन एंड एडॉप्ट इस्लाम इन 2012, ही मैरिज अगेन टू मुस्लिम गर्ल इन 2013, इन 2014 हिज हिंदू वाइफ डाइड सेकंड मैरिज इज, तो क्वेश्चन नंबर 84 की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40030 और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है फोर्थ, वॉइड एज हिज सेकंड मैरिज अमाउंट्स टू बाइगेमी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 की जो क्वेश्चन आईडी है इट इज 40067, ऑल सम रियलाइज्ड बाय वे ऑफ पेनल्टीज अंडर द कंपटीशन एक्ट आर क्रेडिटेड टू, तो ये कहां पर क्रेडिट किए जाते हैं, आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, सामंड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पजेशन इन फैक्ट एंड पजेशन इन लॉ, ही ट्रीटेड पजेशन इन फैक्ट एज, तो सामंड ने इसको किस तरह से ट्रीट किया, ये क्वेश्चन आईडी है 40040, इसका राइट आंसर है 3, एज ए कंसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 87, नॉन ऑब्स्टिनेट क्लोज
इन सेक्शन 145 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉन ऑब्स्टिनेट क्लॉज किसको जो है अलाउ करता है, क्वेश्चन आईडी है 40073 और इसका राइट आंसर है फोर्थ, मतलब कि ए बी सी एंड डी, मतलब कि चारों ही इसके अपने आप में सही ऑप्शन है, सही ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40101 और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि प्रोड्यूसर कंपनी, स्टेटूटरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और स्मॉल कंपनी, है ना। तो ये कंपनी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 मैच द कॉलम है, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है, ये केस है और ईयर ऑफ रिपोर्टिंग है, क्वेश्चन आईडी है 40095। तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट आंसर लगाया गया है दैट इज फोर्थ, मतलब कि ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का सेकंड और डी का वन। ठीक है, वेलकम विकास जी। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो मैं जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन की आईडी के अनुसार आपको चेक करना है, क्योंकि हर लर्नर की जो क्वेश्चन आईडी है वो अलग होती है ना। तो इसलिए क्वेश्चन के नंबर से ना चेक करें, क्वेश्चन की आईडी से चेक करना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 90, अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस इन विच दे डिसाइडेड। और देखिए ये जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 106, 40106 और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए सी डी बी, मतलब कि सबसे पहले ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, फिर एसबीए वर्सेस वाइट, उसके बाद राइलैंड वर्सेस फ्लेचर और सबसे लास्ट में डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 91। तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं एसरसन और रीजन के फॉर्म में, है ना, और ये क्वेश्चन की आईडी है 116। तो इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, द टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नेसेसिटी एंड बैलेंसिंग आर फाउंड एज प्रोमिनेंट प्लेसेस इन गेट्स गेट एज वेल एज इन एसपीएस एंड टीबीटी एग्रीमेंट, द मीनिंग ऑफ दिस टेस्ट एंड देयर इंटरलेशनशिप इज नॉट ऑलवेज क्लियर। तो ये अपने आप में एसरशन और रीजन है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन की आईडी है 40060 और इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज थर्ड, मतलब कि अकॉर्डिंग टू कुशाल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 इज अवेलेबल अगेंस्ट, तो इसमें कहा गया है स्टेट्स एंड एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस इज ए प्रोस्पेक्टस इशूड और इस क्वेश्चन की जो आईडी है दैट इज 40050। तो 40050 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी, 93। इसके अलावा 94 क्वेश्चन, ये किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है बिल्कुल उसको नोट कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल चेक दैट क्वेश्चन और मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको चैलेंज करना है या नहीं करना है ना। तो अरेंज करना है आपको फॉलोइंग केसेस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। तो इस क्वेश्चन की आईडी है क्वेश्चन नंबर 94 की दैट इज 40107 और इसका जो आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा 94th क्वेश्चन का दैट इज फर्स्ट, मतलब कि बी ए ई सी डी, तो ये इसका आंसर मार्क किया गया है। ये अपने आप में कंपनी लॉ के केसेस हैं जिनको कि आपको अरेंज करना है। ठीक है, अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 की क्वेश्चन आईडी है 40033, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, तो कौन सा आर्टिकल जो है करता है दैट इज आर्टिकल 338, इसका क्वेश्चन का आंसर है सेकंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, ए मुस्लिम कैन मेक ए बिक्वेस्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी विदाउट कंसेंट ऑफ द ईयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ, तो इसका आंसर दिया गया है फोर्थ, मतलब कि 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आईडी है 40032। ठीक है जी, अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 97, अरेंज द फॉलोइंग यूएन कन्वेंशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको यूएन कन्वेंशन लगाने हैं और करेक्ट आंसर चूज करना है इन ऑप्शन से, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है इसका, ये जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40110, तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है दैट इज थर्ड, मतलब कि डी बी सी ई ए, मतलब यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ये आता है स्टार्ट यहाँ से, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 की क्वेश्चन आईडी है 40084,
4084 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द डिसेंटिंग जजमेंट्स ऑफ डॉक्टर राधा विनोद गोपाल विनोदा पाल इन द टोक्यो ट्रायल कैन बी करेक्टली एट्रिब्यूटेड टू हिम। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों ऑप्शन शुरू के सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति सेन जी वेलकम एंड गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी पूरे पेपर को एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ, जो आंसर मार्क किए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है, किसी का आपको आंसर गलत लगता है, तो बिल्कुल मुझे पास मार्क करके भेजिएगा, आई विल सी दैट क्वेश्चन और चेक करके मैं आपको बताऊंगा वेदर यू हैव टू चैलेंज दिस क्वेश्चन और नॉट। देखिए क्वेश्चन नंबर 99, इसकी क्वेश्चन आईडी है 40088 और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट। और ये क्वेश्चन है आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इफ द प्रोमल्गेशन ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो इट इज वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। अगला देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 का जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40111 और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट। और क्वेश्चन है अरेंज करना है फॉलोइंग केसेस को जो पार्लियामेंट सॉरी जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा डिसाइड किए गए उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 101। ए मेक्स ए कॉन्टेक्ट विद बी टू बाय बी होर्स इफ ए सर्वाइव सी दिस कॉन्टेक्ट कैन बी एनफोर्स बाय द लॉ ओनली वैन। तो 101 का जो क्वेश्चन आईडी है डेट इज 40054 और इसका राइट आंसर है फर्स्ट, मतलब कि सी डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए 101 तक क्वेश्चन मतलब कि 50 क्वेश्चन अभी तक हमने कवर किए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी लर्नर को कोई डाउट है तो बिल्कुल लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन आप सभी लर्नर्स को दे दूं। देखिए मेरा नाम राजीव कुमार सिंगल है, आई एम एलएलएम नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाइड। मेरा अपना 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 53 टाइम्स इस कोर्स को मैं कंप्लीट करा चुका हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन फिलहाल अनअकैडमी पर मेरी क्लासेज लाइव बिल्कुल नहीं चल रही है। मेरी क्लासेज जो है वो आपको मिलेंगी ऑन लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेज ऐप। लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेज ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह का इसका इंटरफेस है ना। गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे फ्री टेस्ट आप इसके अंदर ले सकते हैं, तैयारी किस तरह से करनी है वो आप इसके अंदर समझ सकते हैं। इसके अंदर फ्री मटेरियल भी है, फ्री वीडियोज भी हैं, वीडियो लेक्चर्स भी मेरे अवेलेबल हैं। इसके अलावा देखिए अगर आपको तैयारी करनी है जून एग्जाम के लिए तो जून एग्जाम के लिए मेरा बैच स्टार्ट हो चुका है 12 दिसंबर से। तो फिलहाल एनवायरमेंट बिल्कुल लेटेस्ट मैंने यूनिट नंबर 80 में स्टार्ट की है। सभी 10 की 10 यूनिट्स इस बैच में आपको करने के लिए मिलेंगी। बैच का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन लॉ जून 2024 एग्जाम। आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डेट इज 9259968416। इसमें आपको सारी थ्योरी क्लासेज मिलेंगी 1 से लेकर के 10 तक की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। वीकली इसमें टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। हर फोर्थ क्लास में एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं, इसमें आपके डाउट्स बिल्कुल लाइव आके जो है क्लियर किए जाते हैं। इसके अलावा जो एग्जाम में 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए हम असाइनमेंट इशू करते हैं। और जो लर्नर्स अगर आप कोई लाइव क्लास नहीं ले पाते हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहे, ताकि आप किसी भी समय अपने कोर्स को अपनी क्लासेस को कंप्लीट कर सकें, कोई क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9259968416। ठीक है जी, और देखिएगा ये इसकी जो है अगर आप केवल लॉ करना चाहते हैं तो जनरल बैच फीस ये है और आप कोई सा भी बैच अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं 3 मंथ्स 6 मंथ्स 9 मंथ्स 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। ठीक है, देखिए 1 टाइम में जो कोर्स है जो जून का हमने बैच स्टार्ट किया है 6 मंथ्स का है ना। और लेकिन आप चाहे तो 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, बाद में इसका रिन्यूअल करा सकते हैं। ठीक है, और वैसे पूरी की पूरी जो तैयारी है इट इज ऑफ 12 मंथ्स, कम से कम 12 मंथ्स का आप टारगेट लेके चलें अगर आप यूजीसी नेट या JRF का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। ये तैयारी आपके असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो एग्जाम आता है, PhD का एंट्रेंस का जो एग्जाम आता है, किसी भी स्टेट का एग्जाम आता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सब जगह पर काम आएगी। ठीक है, और देखिएगा अगर आप दोनों पेपरों की तैयारी करना चाहते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, तो उसके लिए भी हमारे पास कॉम्बो पैक है ना, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैचेस को। और ये देखिए पूरा फिलहाल तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम ये कोर्स करा रहे हैं, लेकिन अगर जून बैच के लिए कोर्स में कोई चेंजिंग आता है तो अकॉर्डिंगली हम भी अपनी क्लासेस को और अपने कोर्स को चेंज करेंगे और आपको उसी के अनुसार पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके अंदर डेली हम 1.5 आवर की क्लास लेते हैं 9 to 10:30 PM।
ठीक है जी। और जो लर्नर्स देखिए जो है फर्स्ट पेपर भी करना चाहते हैं इस पेपर सेकंड लॉ के साथ में, तो वो हमारा कॉम्बो पैक ले सकते हैं। और इसके लिए फर्स्ट पेपर आपको शिवा सर कराएंगे, है ना। तो शिवा सर की क्लास शाम को 7 बजे होती है लाइव, और मेरी क्लासेज 9 बजे होती है रात। इसमें आपको टोटल थ्योरी मिलेगी, 1 से लेकर के 10 तक की यूनिट्स मिलेंगी, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों की, PYQs मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, ठीक है। यहाँ भी जो है अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, कोई सा भी आप सब्सक्रिप्शन ऑफ कर सकते हैं। मैसेज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेज सकते हैं, दैट इज 9259968416, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा जो लर्नर्स जो हैं केवल एक या दो सब्जेक्ट करना चाहते हैं, लॉ का पूरा कोर्स नहीं करना चाहते, वो क्या कर सकते हैं, हमारे स्टोर सेक्शन के ऊपर जा सकते हैं, लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेज में। इसमें जो है आप न्यू ईयर के लिए ऑफर चल रही है, जो केवल 10 जनवरी तक वैलिड है, मतलब कि 20% ऑफ है सभी कोर्सेज के ऊपर। इसमें आपको कूपन कोड अप्लाई करना है year 24, तो जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे आपको सभी कोर्सेज 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ में अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब कि जिस भी आप सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, सबके ऊपर अलग अलग 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। स्टोर सेक्शन के ऊपर जाएं और अलग अलग जो है आप कोर्सेज ले सकते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोर्स है, लॉ ऑफ टॉट्स का कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में है ये क्लासेस। इसमें आपको PDFs भी मिलेंगे, साथ में क्लासेस भी मिलेंगी, लाइव भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगी, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं पेपर के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 101 तक हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। जो भी लर्नर्स कोई बात कहना चाह रहे हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर कमेंट्स। पूरन जी गुड इवनिंग एंड वेलकम, ठीक है। जो भी लोग मेरे साथ लाइव है प्लीज इंडिकेट करें, कोई भी लर्नर, किसी भी लर्नर को कोई डाउट है, कोई आप जो है कमेंट, कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू डेथ पेनल्टी। तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है NTA UGC नेट के द्वारा, दैट इज फर्स्ट, और ये क्वेश्चन आईडी है देखिए 40078, है ना। मतलब कि डेथ पेनल्टी के संबंध में ऑप्शन नंबर ए सही है, सी सही है, डी सही है और ई सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 में आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ में, और 103 की क्वेश्चन आईडी है देखिए 40100। देखिए कोई भी लर्नर क्वेश्चन को अपने जो मैच करेंगे क्वेश्चन आईडी के अनुसार आपको करना है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट, मतलब की मैलिस इन लॉ दैट इज इंटेंशनली डूइंग ऑफ ए रॉन्गफुल एक्ट विद एन इम्प्रॉपर मोटिव। तो इस तरह से ये इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मार्क किया गया है NTA के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 104 है, 104 की क्वेश्चन आईडी है 40080, ठीक है। और इसका जो आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा दैट इज 104, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इंडिया डज नॉट हैव लेजिस्लेशन टू स्पेसिफिकली कवर देम एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर मार्क किया गया है दैट इज थर्ड, मतलब ए बी सी एंड डी। मतलब कहने का यह है कि ट्रेडिशनल नॉलेज, इसके अलावा इसकी आर्ट, और इसके अलावा पब्लिसिटी राइट, और डी दैट इज सेलिब्रिटी राइट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 105 जिसकी क्वेश्चन आई डी है 40094, और इसका जो राइट आंसर है ये अपने आप में अगेन इनेक्टमेंट है और ये इसके ईयर है। तो इसको आपको मैच द कॉलम करना है, इसका क्वेश्चन का आंसर बताया गया है थर्ड, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 की जो आईडी है दैट इज 115, है ना। तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है देखिए एसर्शन रीजन बेस्ड है ये, तो ट्रेड सीक्रेट्स एक्ट 2020 इज ए लेजिस्लेशन इनएक्टेड इन इंडिया टू प्रोवाइड फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। रीजन बताया गया, इंडिया हैज इनएक्टेड ए नंबर ऑफ लेजिस्लेशंस टू क्रिएट लीगल फ्रेमवर्क ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज फोर्थ, मतलब ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ठीक है जी। आज भी कहा जी सर पेपर फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन अलग से या साथ में है? पेपर फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन साथ में है कॉम्बो पैक में विकास जी, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको जो है अपग्रेड कर सकते हैं, है ना। जो एग्जिस्टिंग लर्नर्स हैं वो इसको अपग्रेड कर सकते हैं, और जो हमारे लर्नर्स हैं, मतलब कहना चाहिए कि जो न्यू लर्नर्स हैं वो डायरेक्ट कॉम्बो पैक ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107, इसकी क्वेश्चन आईडी है 40070, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज थर्ड, मतलब कि
व्हाट अमंग द फॉलोइंग आर नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट ए फॉल्स इंप्रिजनमेंट। तो इसका आंसर दिया गया है ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 की क्वेश्चन आईडी है 40042 और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड। द टर्म प्रीफर्ड बाय बेंथम टू एक्सप्लेन हिज इंपेरेटिव कंसेप्ट ऑफ लॉ इज दैट इज मैंडेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस ऑफ देयर ईयर ऑफ वर्डिक्ट। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है और इस क्वेश्चन की जो आईडी है दैट इज 40113 और इसका राइट आंसर है फर्स्ट, मतलब कि बी डी सी ए, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है 109। अगला क्वेश्चन है 110। 110 की क्वेश्चन आईडी है 40036 और ये क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग फॉलो ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज थर्ड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है 111 111 और इसमें देखिए लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड है और इस क्वेश्चन की आईडी है जी 111 की दैट इज 40096, है ना। तो इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि ए का फोर्थ, है ना। तो ये इसके क्वेश्चन आईडी को जो है मार्क किया गया है 112 क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40105 और इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज थर्ड, मतलब ये अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इन सीक्वेंस ऑफ द पेटेंट एक्ट। तो पेटेंट एक्ट के सीक्वेंस में इसको आपको अरेंज करना है। अगला है 113 क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्वेश्चन की आईडी है 40077। तो इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि ए ओनली, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। 114 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40068 और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड। द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय ए चेयरपर्सन हु इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट सो फार ही इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस और एनी ऑफ देम इन हिज डिस्क्रिशन। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस गवर्नर कैन बी कॉल्ड टू एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन। तो इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट और ये क्वेश्चन आईडी है 40090, है ना, मतलब कि ए बी और सी ये तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, इसकी क्वेश्चन आईडी है 40079। ठीक है जी, द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड और प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए सी एंड ई, मतलब कि 51 AG, इसके अलावा 48 कैपिटल ए और साथ में आर्टिकल 49। अगला है 117, A1 एंड A2 प्लान टू कमिट मर्डर, मियर एग्रीमेंट टू कमिट दिस ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन ऑफ आईपीसी। तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है ओनली फर्स्ट, दैट इज 120 कैपिटल बी और ये क्वेश्चन आईडी है देखिए 40065। देखिए अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मार्क करेंगे क्वेश्चन आईडी के अनुसार, नॉट फ्रॉम द नंबर ऑफ क्वेश्चन, है ना, क्योंकि हर पेपर की क्वेश्चन में सीक्वेंस अलग अलग होता है। इसके अलावा देखिए 118, इसकी क्वेश्चन आईडी है 400091। तो इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड और क्वेश्चन है कि आर्टिकल 21 ऑफ 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस फोर टाइप ऑफ educational institutions given below in which of the following institutions religious instructions can be imparted with the consent of the individual or other। तो इसका right answer है second, मतलब कि B, C and D। ठीक है जी, अगला question देखते हैं 119। तो question number 119, which of the following provisions in the IT Act 2000 prescribe punishment for the offence। तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है इन ऑप्शन से और ये क्वेश्चन आईडी 119 की है 40082, है ना। तो इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। अगला देखते हैं जी 120th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं।
है, और ये क्वेश्चन की जो आईडी है दैट इज 40086, तो 40086 का राइट आंसर है सेकंड, मतलब कि ए सी एंड डी। मतलब कहने का ये है कि एस एस लोटस केस, इसके अलावा लॉर्ड हाल्सबरी और इसके अलावा रूसल, तो ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट बताए गए हैं क्वेश्चन नंबर 121। और इस क्वेश्चन नंबर 121 की जो क्वेश्चन आईडी है, 121 की क्वेश्चन आईडी है 40040118, ठीक है जी। तो 40118 की जो क्वेश्चन आईडी है 121, इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट, मतलब दोनों करेक्ट हैं और इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और ये रिलेटेड है डोवर से। मेहर इज ए सम ऑफ मनी विच द मुस्लिम हस्बैंड एग्रीज टू पे टू द वाइफ एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हर और फॉर एग्रीइंग टू मैरी हर। सिंस मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नेसेसरी दैट डोवर मस्ट बी स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। इट इज नॉट स्पेसिफाइड, इट कैन बी प्रिज्यूम। रीजन है इट इज नॉट पेड अर्लियर, मेहर बिकम्स ड्यू ऑन डेथ ऑफ द हस्बैंड और द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स, है ना। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, क्वेश्चन नंबर 122 की क्वेश्चन आईडी 40031 है, और इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13, कि रेस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 की क्वेश्चन आईडी 4444043। तो ये अपने आप में 123 जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है थर्ड, मतलब कि इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ आईपीआर देयर एग्जिस्ट ए स्टेटोरी बैन फॉर असाइनमेंट। तो ये है अपने आप में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसके अलावा है 124 क्वेश्चन, 124th क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी 40059 है, द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका राइट आंसर मार्क किया गया है फर्स्ट, कैन बी अमेंडेड। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 125 की क्वेश्चन आईडी 40046, और इसका जो राइट आंसर है थर्ड, विच काइंड ऑफ पेटेंट इज प्रोटेक्टेबल इन इंडिया, दैट इज प्रोसेस पेटेंट। अगला 126 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40055, है ना। तो इसकी क्वेश्चन है देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डी फैक्टो एंड डी जूरे रिकॉग्निशन फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग इफेक्ट टू द इंटरनल एक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड कंट्री व्हिच वाज हेल्ड इन व्हिच इट वाज सो हेल्ड इन व्हिच केस। तो इसके जो आंसर बताया गया दैट इज लूथर वर्सेस सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, अमेरिकन रियलिस्ट जज जीरोम फ्रैंक डिस्क्राइब्ड हिज ओन एटीट्यूड टुवर्ड रियलिज्म एज वन ऑफ, है ना। तो इसकी क्वेश्चन आईडी है 40041, और इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव स्पेक्ट्रलिज्म। अगला देखते हैं जी 128, क्वेश्चन नंबर 128, डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज रिफ्लेक्टेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, और इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40069, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 128 का जो राइट आंसर बताया गया है दैट इज सेकंड, मतलब कि ए सी एंड डी, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इसके अलावा अफेक्टिंग कंपटीशन और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इन रेलिवेंट मार्केट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 129 की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40066, और इसका राइट आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, सर ए लूसेज इज सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन ड्यू टू अरेस्ट एंड किल्स जेड ए शैल बी पनिशेबल अंडर। तो इसका राइट आंसर बताया गया है सेकंड। अगला है 130th क्वेश्चन, 130th क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी दैट इज 40112, और यह अरेंज करना है फॉलोइंग को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनेक्टमेंट के, और इसका जो राइट आंसर बताया गया है 138 का दैट इज फोर्थ, मतलब कि बी डी ए सी, ठीक है जी। अगला देखते हैं जी, अगला है क्वेश्चन नंबर 131 कॉन्ट्रा प्रोरिटरम मीन्स, तो ये 130th जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आईडी है 40051, इसका राइट आंसर बताया गया है फोर्थ, मतलब एबिग्निटी इज टू बी रिजॉल्व अगेंस्ट द पार्टी हु इंसर्टेड लिमिटिंग टर्म। इसके अलावा 132 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 क्वेश्चन की आईडी है जी इसकी 4000092, ठीक है, और इसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि ए एंड बी, मतलब सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर है,
हिंदू मेल कैन बी सोलमराइज इन अकॉर्डेंस विद कस्टमरी राइट्स एंड ड्यूटीज, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनीज आर परफॉर्म्ड, और बी है एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ब्राइड्स फैमिली आर परफॉर्म्ड, है ना। तो इसके अंदर दो आंसर सही बताए गए हैं, दैट इज ए एंड बी ओनली, ठीक है जी। तो जिस भी क्वेश्चन को आप चैलेंज करना चाह रहे हैं, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जी बिल्कुल जरूर लिखिएगा, जैसे कि मानदेव जी लिख रहे हैं या आगा जी ने लिखा है, ठीक है। और देखिए मेरा नाम राजीव कुमार सिंगल है और जून बैच के लिए हम कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो भी लर्नर जून बैच की तैयारी करना चाहते हैं अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर 9259968416। हमारा जो ऐप है लो कॉम्पिटिशन क्लासेस के नाम से है, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। और अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आप अपना मैसेज उसके लिए भी सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। पेपर फर्स्ट आपको शिवा सर कराएंगे, पेपर सेकंड मैं आपको कराऊंगा। सर की जो क्लासेज हैं शाम को 7 बजे हैं और मेरी जो क्लासेज हैं रात को 9 बजे हैं। इसमें आपको सारा थ्योरी, PYQs, टेस्ट सीरीज, MCQs सब कराए जाएंगे। कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप ऑफ कर सकते हैं, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ्स या 12 मंथ्स, अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, है ना। तो कोई सा भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एक या दो सब्जेक्ट कोई करना चाहते हैं तो हमारे ऐप के आप जो है स्टोर सेक्शन के ऊपर जाएं, ईयर 24 कोड अप्लाई करें, 20% तक ऑफ का बेनिफिट उठाएं किसी भी कोर्स के ऊपर जो भी हमारे जो है प्ले स्टोर, हमारे जो है स्टोर सेक्शन के ऊपर पड़े हुए हैं लो कॉम्पिटिशन क्लासेज ऐप के, ठीक है। सभी क्लासेस का, सभी सब्जेक्ट्स के आपको अलग अलग कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी 132 से आगे 133 क्वेश्चन। 133 क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है 40071, ठीक है। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लाइबिल, तो लाइबिल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फोर्थ, मतलब कि ए सी एंड डी। इट इज ए डिफेमेशन ऑफ परमानेंट फॉर्म, सी है नो एक्चुअल डैमेज, और डी है फॉल्सिटी इज टू बी प्रिज्यूम। अगला क्वेश्चन है जी 134 की जो क्वेश्चन आईडी है डेट इज 40087। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप द एट्रीब्यूट्स ऑफ ओनरशिप आर, तो एट्रीब्यूट्स ऑफ ओनरशिप क्या है। इसका आंसर है वन, मतलब ए सी एंड ई, मतलब इनडेफिनिट यूजर, इनलिस्टिक डिस्पोजिशन और अनलिमिटेड ड्यूरेशन, ठीक है जी। सिद्धार्थ जी वेलकम। कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको एक बार आंसर की रिवाइज करा दूं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बिल्कुल उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि कल तक का समय है केवल, और उसमें आपको जो है हम जो है एविडेंस भी प्रोवाइड करेंगे अगर किसी क्वेश्चन को हम कह रहे हैं कि यू हैव टू चैलेंज इट। 135th जो क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40085। इसका राइट आंसर है थर्ड, मतलब कि सी डी एंड ई। द न्यूरेमबर्ग ट्रायल क्लासिफाइड द क्राइम्स पनिशेबल अंडर इंटरनेशनल लॉ इनटू द कैटेगरीज ऑफ, तो कौन कौन सी कैटेगरी में इसमें डिफाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 136 136 की क्वेश्चन आईडी है 40083, और इसका जो आंसर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसका राइट आंसर बताया गया है फर्स्ट, मतलब ए बी एंड सी ओनली, मतलब कि ए रॉन्ग इज एन एक्ट कंट्राइट टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस, इसके अलावा बी ए मोरल और नेचुरल रॉन्ग इज एन एक्ट विच इज मोरली और नेचुरली रॉन्ग बींग कंट्राइट टू द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और सी ए लीगल रॉन्ग इज एक्ट विच इज लीगली रॉन्ग बींग कंट्राइट टू द रूल ऑफ लीगल जस्टिस एंड वायलेशन ऑफ लॉ। अगला देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 137 की क्वेश्चन आई डी है 40057, और इसका जो राइट आंसर बताया गया है नेट के द्वारा डेट इज फोर्थ, मतलब कि री लिंच केस में ये कहा गया कि मेंस नेशनलिटी इज ए कंटिन्यूइंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन सॉवरन स्टेट टू वन ऑफ टू वन हैंड एंड द सिटीजन ऑन द अदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 138, इसकी क्वेश्चन आईडी है 40053। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ एजेंसी दिस इज प्रोवाइडेड इन, तो इसका जो राइट आंसर बताया गया है दैट इज फर्स्ट 185 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, तो आपको लिस्ट फर्स्ट के साथ में लिस्ट सेकंड को मैच करना है। ये केस है और ये इश्यूज और ये प्रिंसिपल्स हैं, और इस क्वेश्चन की आईडी है 139 की दैट इज 40099, 40099, और उसका जो आंसर मार्क किया गया है दैट इज सेकंड, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140 की क्वेश्चन आईडी है
4010 इसकी जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 4010। और देखिए इसका जो राइट आंसर मार्क किया गया है नेट के द्वारा दैट इज फर्स्ट, है ना। ये केसेस है गीता हरिहरन, सरला मुद्गल, डेनियल लतीफी और सीमा वर्सेस अश्वनी। अगला है जी, देखिए अगले आगे आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन जो है 140 से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन नंबर 141, इसकी क्वेश्चन आईडी है 40121। तो इसका जो आंसर बताया गया है दैट इज थर्ड, मतलब कि पार्ट 4A। आगे देखते हैं जी 142 क्वेश्चन। 142 क्वेश्चन की देखिए क्वेश्चन आईडी देखते हैं पहले। देखिए हर क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन आईडी के अनुसार ही मैच करना है। क्वेश्चन आईडी है 40124 और इसका राइट आंसर बताया गया है फर्स्ट, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 122 और इसका जो राइट आंसर बताया गया है दैट इज थर्ड, मतलब कि पॉलिटिकल प्रेशर एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 जो है, क्वेश्चन नंबर 144 की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40120 और इसका जो राइट आंसर बताया गया है दैट इज थर्ड, मतलब कि पार्ट 4 ओनली। अगला देखिए पैराग्राफ है 145, क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन आईडी है 40120 और इसका राइट आंसर बताया गया है फोर्थ, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146, इस क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है 40129 और इसका राइट आंसर बताया गया है थर्ड, द कोर्ट कैन नॉट कैन ओनली लुक इनटू एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन देयर ऑफ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 147 है, क्वेश्चन नंबर 147 की क्वेश्चन आईडी है 40130 और इसका जो राइट आंसर बताया गया है दैट इज थर्ड, व्हेन द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड एक्ट इज चैलेंज्ड। इसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 क्वेश्चन की क्वेश्चन आईडी है 40128 और इसका जो राइट आंसर है दैट इज फर्स्ट, मतलब कि एक क्रिटिकल एंड नेगेटिव व्यू ऑफ द वे द कोर्ट यूजेस द डॉक्ट्राइन्स ऑफ स्क्रिप्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ नेचुरल लॉ, है ना। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 और इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आईडी है दैट इज 40127। तो इसके लिए राइट आंसर है फोर्थ, मतलब कि व्हाट डज द ऑथर आइडेंटिफाई एज द ग्रेटेस्ट प्रोडक्ट पैराडॉक्स इन्वॉल्व इन द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर 150 एंड द लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का है दैट इज व्हाट डज द ऑथर कंसीडर टू बी डॉक्ट्राइन यूज टू सरकमस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन और इस क्वेश्चन की जो आईडी है दैट इज 40126, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ स्प्रिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेचुरल लॉ, ठीक है जी। तो देखिए ये अपने आप में क्वेश्चंस के आंसर्स जो है एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा मार्क किए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप जो है मतलब टैली कर लें अपने पेपर के साथ में। टैली करने का तरीका मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर से नहीं करना है, क्वेश्चन की जो आईडी है उसके अनुसार करना है, क्योंकि हर लर्नर के पास में अलग क्वेश्चन पेपर है सीरीज का। किसी के पास ए सीरीज है, किसी के पास बी है, किसी के पास सी है, किसी का डी और ई तक सीरीज है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आईडी से आप अपने आंसर्स को मार्क कर लें। कल रात तक का 12 बजे तक का समय है आपके पास क्वेश्चंस को चैलेंज करने का। 12 बजे तक का भी नहीं है, 11:50 PM तक का है, मतलब कि रात तक का है। तो इसलिए आप आराम से अपने अपने क्वेश्चंस को टैली करें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप अपना जो है कंफ्यूजन या कोई भी चीज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में चाहे लिख दें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9259968416, इसके ऊपर आप मेरे पास मैसेज सेंड कर सकते हैं, है ना, मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका हमें जो है आंसर एक बार जो है मार्क करना है या देख बता दीजिए। तो देख क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, 200 रुपीज जो है कॉस्ट है चैलेंज करने की, और साथ में जो है आपको उसके प्रूफ में कुछ ना कुछ जरूर देना पड़ेगा, ठीक है जी, ठीक है। तो इसके अनुसार आप कैसे पता चला पेपर, नवीला जी क्या पूछना चाह रही हैं बिल्कुल लिखिएगा कमेंट में, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। सिद्धार्थ कुमार जी लिख रहे हैं सर कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ सिद्धार्थ जी, है ना, तो आई थिंक 68% जो है वो अपने आप में रहता है नेट के लिए,
और 72% रहेगा JRF के लिए, इफ यू आर ए जनरल ऑफ इफ यू आर ए कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी, नॉन रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। अब अगर मैं ओबीसी के ऊपर आ जाऊं तो 65% ओबीसी और 70% JRF ओबीसी के लिए, इफ आई टॉक अबाउट ओबीसी, ठीक है। और मेरे हिसाब से 66% रहना चाहिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ठीक है। आप अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार इसको कर सकते हैं। मैं इसको चेक करके आपको रात को ही चेक करके कल मॉर्निंग में बताऊंगा, हमारे आईडी कहां से पता चलेंगे। क्वेश्चन आईडी देखिए इसके नीचे दिया होता है, देखिए मैं ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है आपके सामने, जैसे क्वेश्चन नंबर 150 है, ये रहा क्वेश्चन आईडी। तो इस तरह से आप अपने अपने क्वेश्चन आईडी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन आईडी ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जिस तरह से नेट के द्वारा मुझे दिया गया है इसी तरह से आप लोगों के पास भी आपके पेपर आ जाएंगे। आप अपना रोल नंबर डाल दें, अपना जो है कहना चाहिए कि यूजीसी नेट की साइट पे जाएं, रोल नंबर डाल दें, साथ में अपना पासवर्ड डाल दें, ये ओपन हो जाएगी आंसर की, आपकी आंसर की भी ओपन हो जाएगी, आपका पेपर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है। तो 65% नेट के लिए और जनरल कैटेगरी की 68% नेट के लिए और 72% JRF के लिए, है ना। तो ये अपने आप में कट ऑफ जानी चाहिए। और कोई कंफ्यूजन किसी भी लर्नर का है तो पूछिएगा। और देखिए अगर आप जून का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैसेज सेंड कर सकते हैं 9259968416 के ऊपर। टोटल 10 की 10 यूनिट्स में आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, PYQs मिलेंगे, प्रॉब्लम सेशन आपको जो है मिलेगा, और इसके अलावा पैराग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए असाइनमेंट आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे हमारे इस कोर्स में। और अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो भी आप अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं, शिवा सर आपको पेपर फर्स्ट कराएंगे, पेपर सेकंड मैं आपको कराऊंगा, नो कॉम्पिटिशन क्लासेज। इसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है, नो कॉम्पिटिशन क्लासेज, और पेपर फर्स्ट के लिए अचीवर सड्डा 24/7 ये आपको जो है ऐप डाउनलोड करना है ऑन योर फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर इन योर मोबाइल फोन, ठीक है। सर की क्लासेस शाम को 7 बजे हैं, मेरी क्लासेस रात को 9 बजे, ठीक है। और अगर केवल आप लॉ का पेपर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैसेज सेंड कर सकते हैं जून 2024 बैच के लिए। मेरा जो ऐप है इट इज इन द नेम ऑफ लॉ कॉम्पिटिशन क्लासेज, ये इसका इंटरफेस है, इसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसमें आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं मैं आपको फ्री बैच में ऐड करता हूँ सभी लर्नर्स को, और जैसे ही आप फ्री बैच में ऐड हो जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं टेस्ट के ऊपर जाएंगे, ऊपर से स्क्रॉल करके वहां आपको सारे टेस्ट मिलेंगे जो भी चलने वाले टेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप स्टडी मटेरियल के ऊपर जाएंगे, पीडीएफ के ऊपर जाएंगे, फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, वीडियोज मिल जाएंगे, फ्री वीडियोज भी आपको मिल जाएंगे। स्टोर सेक्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे हमारे, अगर आप एक या दो सब्जेक्ट करना चाहते हैं। फिलहाल सभी कोर्सेज 20% ऑफ के साथ में, न्यू ईयर ऑफर है, ईयर 2024 के नाम से आपको कोड अप्लाई करना है, 20% आपको ऑफ मिलेगा फीस में, और 4 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, केवल 10 जनवरी तक ये ऑफर है ना। कोर्सेज जैसे इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, ये आपके जुडिशरी प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के एग्जाम में काम आएंगे। इसके अलावा जैसे जुरिस्प्रूडेंस का कोर्स है, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ का कोर्स है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको कंपनी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का कोर्स मिल जाएगा, टॉर्च का कोर्स मिल जाएगा, सभी पेपर्स 2013 से लेकर 2023 तक के सब्जेक्ट वाइज आपको डिस्कशन में मिल जाएंगे हमारे स्टोर सेक्शन में। और अगर आप जाते हैं तैयारी का तरीका, इसको आप क्लिक करेंगे ऐप के ऊपर जा करके, तो आपको सभी हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हुए हैं इनके इंटरव्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं दोबारा 6 to 7, देखिए क्लास का टाइम हमने चेंज कर दिया है, 7 to 8 के बजाय 6 to 7 का टाइम रहेगा फ्री क्लास का ऑन द यूट्यूब, है ना। तो 6 से 7 के बीच में डेली यूट्यूब पर क्लास होगी, है ना, तो इसी समय पर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें बजाय 7 से 8 के, ठीक है, चलिएगा। तो थैंक्स टू ऑल द लर्नर्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप लो का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से फीस ये है, 6 मंथ्स का भी आप ले सकते हैं, 3 मंथ्स का ले सकते हैं, 12 मंथ्स का ले सकते हैं। वैसे पूरा कोर्स कम से कम 12 मंथ्स का है अगर आपको पूरी तैयारी करनी है, और जून का कोर्स केवल 6 मंथ्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो देखिए कल मिलते हैं दोबारा इसी पेपर के साथ में, आपके जो डाउट्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा, पीडीएफ मैं आपको जो है इसका एविडेंस भी दूंगा, और साथ में
आपको जो है इस पेपर को हम कंप्रिहेंसिवली भी डिस्कस करेंगे, जो आपका लेटेस्ट पेपर है इसको कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे कई पार्ट्स में, कम से कम 10 या 12 पार्ट में डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी ऑप्शन को, ताकि आप इजीली इस पेपर के लेवल को और साथ में समझ सकें कितनी तैयारी आपको करनी है अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल द लर्नर्स फॉर ज्वाइन।